हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का आज के नए व्लॉग में बिल्कुल स्वागत है। 6:45 हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी, आपको बता दूं मैं, हिंदी जो भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जो हमारा भारत देश है, 14 सितंबर 1949 को आपको पता ही है कि हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। तो भारतीय संविधान में एक मत के अनुसार सारे भारत, समूचे भारत में हमारे जो भारत देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है। आपको बता दूं, हिंदी भारत में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। वैसे तो भारत देश में अनेक भाषाएँ आपको पता है, लेकिन हिंदी का अपना ही कुल एक अलग महत्व है। जैसे हिंदी से, जैसे हिंद से बना हिंदी, यानी हिंदुस्तान की भाषा। तो सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ हिंदी दिवस पर। आप अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, सहपाठियों को, या कोई भी साथी है, आप हिंदी बोलने पर ज़्यादा अपना फोकस रखें। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि सभी भाषाएं मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग देशों में जाते हैं या अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक क्षेत्र में कोई अलग एवं क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन भाषा का अपना ही अलग से महत्व है। तो हिंदी दिवस की सबको बधाई। हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुले है इसकी, ये गुलसिता हमारा, इकबाल की पंक्तियां भी हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं या हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, और जो पहले से व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने हमारा चैनल, अशोक कुमार व्लॉगर, राइटर एंड एजुकेटर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमें नए देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट्स करें और सपोर्ट करें। विद्यालय के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। डीके नाने गया हुआ है, उसकी माता जी एक के वो तो चले गए विद्यालय के लिए। सुबह का हमारा नाश्ता, योगा वगैरह हो गया है, तो अपनी दिनचर्या है वो शुरू हो चुकी है। हमें हमेशा सुबह जो वाइब्स रखनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए, यानी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। तो अब हम विद्यालय के लिए पूर्ण रूप से, मेरा बैग तैयार है, ये देखो, और सब तैयारियां हो चुकी हैं। डीके अभी तैयार हो रहा है, फिर हम विद्यालय के लिए चलेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, आपने योगा भी करना होता है दिन में, अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाएं, अच्छी अच्छी वाइब्स आएंगी आप में, अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। और हाँ दोस्तों, नकारात्मक सोच अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दें आप। नकारात्मक सोचना बहुत बुरी बात है, हमेशा सकारात्मक, यानी आपने हमेशा अच्छी सोच रखनी है, अच्छा अनुशासन में रहना है। तो ये व्लॉग है जो हमारा, आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमें, हमें बहुत इस बात का फ़ख्र है कि आप हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और आप हम लगातार देख रहे हो। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवादी रहूँगा सभी भाइयों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है। तो अभी विद्यालय के लिए बिल्कुल तैयार है, चलो चलते हैं विद्यालय। प्यारे दोस्तों, दीके तो विद्यालय के लिए चला गया है और मैं रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, अभी मेरी गाड़ी आने वाली है विद्यालय की। दोस्तों, जो बीच का रास्ता है जहाँ से मैं जाता हूँ अपने काम के लिए, यहाँ बीच में जो लकड़ी की जो मंडी लगती है वो भी आपको दिखा दूँ। ये पीछे जो दिखाई दे रही है लकड़ी की मंडी है। रास्ते में बहुत ही साधन आते हैं, वैन और बहुत साधन इस रोड पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, बस गाड़ी आने वाली है। तो ये फतेहाबाद है जो हमारा, ये शिक्षा का बहुत एक बड़ा हब है। यहाँ आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे स्टडी बहुत करते हैं। और जहाँ मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ वैनों का आप देखिए बहुत ज़्यादा वो झमेला रहता है, और पीछे वैनें भी जाती आपको दिखाई दे रही है सुबह सुबह वैनें।
बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद, हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं।